हमर गुरुजी शरीर छोड़ दिले श्री श्री अक्षवार श्री गाहर सरकार श्री रामचंद्र दास जी महाराज, ओहि कारणसँ हम एखन भद्र भऽ गेल छी। बहुत लोक हमरा चिन्हबो नहि करैए। मौनी बाबा लोक पहिले देखै छलै जे हुनका दाढ़ी छलनि, मोच छलनि, बड़ा विशाल। 27 साल पर हम भद्र भेलहुँ हन, मने मोच दाढ़ी भेल। गुरुजीके हमरा सबके हिन्दू सनातन धर्म छै गौ गंगा गुरु माता पिता। हमरा सबके गुरुए जी में एहि वैरागी संप्रदाय में हमरा सबके गुरु शरीर छोड़ला से हमरा सब असोच होइ छै, जे कारण सब एखन भद्र भऽ गेलहुँ हन। आचार्य महंत मौनी बाबाके नाम से हम प्रसिद्ध छी, अहाँ सब चिन्है, बहुत लोक नहि चिन्हैया, एहि दुआरे परिचय दिअ पड़ल हन। एहिके लेल अहाँ सब से चिन्हैके हम अपन भाव देलहुँ हन, जे एखन हम लोक बहुत चिन्ह नहि पाबैए, तऽ अहाँ सब अनदेख नहि करब, अहाँ सब कहूँ सब भटकि नहि जायब। ताहि दुआरे जे ई स्वरूप हमर एखन थोड़े बदलल छै, मगर फेर भगवानक कृपा हेतै तऽ ओ शरीरमे आबि जेतै अपना साधु। कखनो तऽ साधुए स्वरूपमे छी, मगर भद्र भेल छै तऽ बहुत लोक चिन्हैके दोहा होइ छै। ताहि दुआरे हम अपन परिचय दऽ देलहुँ हन, जे पचारी महंत श्री रामपुरी दास मंदिर स्वदेशी गौशालामे छी भरवारी गाममे। आओर हमरा हिन्दू सनातन धर्ममे गायके जे महत्व यऽ, स्वामी विवेकानंद जी लग गेल छलखिन, विदेश गेल छलखिन, हुनकासँ पूछल गेलनि जे सबसे अच्छा दूध कौन चीज का होता है। तो स्वामी विवेकानंद जी कहलखिन जे सबसे अच्छा दूध तो भैंस का होता है। तो सब हुनका देख हँसऽ लगलनि, एते विद्वान छथिन बड़ा, आओर हुनका बुझो नहि आबै छनि जे गाय भैंस के दूध केना बढ़िया होइ छै। जहन बड़ी काले पर डिस्कस भेल तो कहलखिन कि जे गाय का दूध बताइए विवेकानंद जी, किसको अच्छा होता है। तो बोले जे भैंस का होता है। कहलके आप भारत के हैं, हिंदुस्तान के हैं, फिर भी आपको ये नहीं है जो जो है सो देसी गाय का दूध अच्छा होता है सबसे देश में। तो कहलखिन विवेक स्वामी विवेकानंद जी जे देसी गाय का दूध नहीं होता है, उनका अमृत होता है। देसी गाय का दूध अमृत मानल जाइ छै, आओर अमृत पीला से की होइ छै से तऽ सब आदमी बुझै छै, अमर तत्व तो प्राप्त होइ छै स्वास्थ्य के लेल। आओर दूध तऽ दूधक बात छै, हमरा हिन्दू सनातन धर्म देल गया एहि गाय के देह मे जो स्पर्श करै छथिन ओ जीव के पाप खंडित भऽ जाइ छै, आओर एहि शरीर मे जे किछु अहाँके रोग व्याधि जे है सेहो निवारण हेतै। तऽ हम एहि भरवारी गाम मे एखन छी, एहि देशी गाय के अपन चरण स्पर्श कऽ रहल हन, आओर एहि दुर्गेश जी के हम धन्यवाद दै छियनि जे ई एते सुन्दर सुन्दर गाय रखने छथि एखन देशी। एहिके लेल अहाँके धन्यवाद, आओर जे व्यक्ति के हुए एहिमे मदद करबाक चाही, सहयोग करबाक चाही, हमरा अहाँके भावना रखबाक चाही जे एते बड़ा नवयुवक एखन भऽ के आओर एहन भावना छनि, एहिके लेल हम हिनका आशीर्वाद आओर धन्यवाद सेहो दै छियनि। आओर ई आगू बढ़ैत आगू बढ़ाबैत गौशाला के लेल हमरा सबके कोनो पूजा होइए, पाठ होइए, कोनो किछु होइए, तऽ बिना देसी गायके दूधसँ दहीसँ गोबरसँ गोँतसँ काज नहि होइए। हमरा सबके देसी गायपर बेसी जोर देबाक चाही आओर देसी गायके प्रति श्रद्धा रखबाक चाही, ओहि बढ़ेबाक चाही। एक एक हिन्दू अगर एगो हम देसी गाय राखब तऽ हमरा गौशालाके हमरा गायके हिन्दू सनातन धर्मके बहुत सुरक्षा हैत। इएह हमर निवेदन आओर आग्रह, जाहि घरमे जाहि जगहपर हमर ई देसी गाय रहैए ओहिके लेल जे छै ने से ओ जगह पवित्र, देवताके वास होइ छनि, जेना मन्दिर होइ छै, गंगा जी होइ छथिन, ताहिसँ बेसी महत्व एहि देसी गाय जे जगहपर रहै छथि ओकर हमरा सबके हिन्दू सनातन धर्ममे विशेष देल गेल हन, एकर प्रभाव देल गेल हन। हमसब एगो गाय कमसँ कम बेसी नहि राखबै, हमर दुर्गेश जी रखने छथि 10 गो गाय रखने छथि, हमसब एको कमसँ कम अपना घरमे राखी देसी गाय, तऽ हमरा सबके हिन्दू सनातन धर्मके रक्षा हैत आओर हमरा सबके अहीसँ उद्धार भऽ जायत। कोनो भगवानके बेसी सेवा करैके नहि जरूरी यऽ। जै भाग जै गो गायके देसी गायके हमर श्री कृष्ण जी सेवा केलथि, तऽ हम गायके जो सेवा कऽ लेब तऽ बुझब भगवानेके सेवा कऽ रहल, भगवानके प्रति सेवा करैके जरूरी नहि रहत। हमसब एहिसँ गायके सेवा करी आओर पुण्यके भागी बनी। जय सियाराम, जय हनुमान।